Pala, upar rahe hain. चलें शुरू करें. क्या पढ़ना है आज? काइनेटिक्स. काइनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं? पाथ ऑफ रिएक्शन में काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन है ना. देखो सबसे पहले काइनेटिक्स में जाएंगे तो हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़ने हैं. क्या पढ़ने? केमिकल रिएक्शंस. ठीक है. केमिकल रिएक्शंस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड. ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहले होते हैं स्लो रिएक्शन. ठीक है. दूसरे होते हैं मॉडरेट रिएक्शन. ठीक है जी. और तीसरे होते हैं फास्ट रिएक्शन. ठीक है जी. स्लो रिएक्शन वो जो 10 से 12 सेकंड में, ठीक है, या और ज्यादा टाइम पीरियड, मतलब 10 से 12 सेकंड मिनिमम है, उससे ऊपर 12 से 16 सेकंड, फिर कई दिन कई ऐसे भी हो सकता है. स्लो रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्शन आते हैं? जैसे एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन पता है? एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से एच और यहां से ओएच जाएगा और CH3COOC2H5 बन जाएगा. स्लो रिएक्शन का एग्जांपल. अब ये रिएक्शन आप पिछले उसमें पढ़ के आए हो उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. पढ़ा है ना? एक दिन में तो जंग लगता नहीं. रस क्या है? केमिकल रिएक्शन ही तो है. अब एक दिन में तो लगता नहीं जंग, काफी टाइम में लगता है. स्लो रिएक्शन. ठीक है. मॉडरेट रिएक्शन इसको उल्टा कर दो. इसमें और चीज है कोई भी एंटी कंपाउंड बनेगा जैसे एनए को पॉलीकेनो रिएक्ट कर दो. क्या बनेगा? NaOH प्लस RH2. किसी भी ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो फास्ट रिएक्शन होगा क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है ना ये बहुत आयनिक होता है. जितने भी कंपाउंड रिलेट बनेंगे जिसमें आयनिक कोई भी रिएक्शन में आयनिक कंपाउंड बन रहा है दैट इज गोइंग टू बी फास्ट. सॉरी दैट इज गोइंग टू बी फास्ट. ये दो रिएक्शन जो ये होगा फास्ट. फास्ट का रिएक्शन मैंने स्लो में लिख दिया. Na प्लस H2 ग्रुप फर्स्ट के मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो फास्ट. ग्रुप सेकंड के मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करोगे तो मॉडरेट. ठीक है जी. मॉडरेट मतलब इसका उल्टा कर दो तो मॉडरेट बन जाएगा. CH3COOC2H5 इसमें पानी डालो तो क्या बनेगा? CH3COH प्लस C2H5OH. ये मॉडरेट रिएक्शन के एग्जांपल. तो पहली बात जो काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं वो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन स्पीड कैसा है, ज्यादा है, कम है, ठीक ठाक है, बहुत स्लो है, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन. ठीक है. दूसरे होते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन. ये तो आपको पता होंगे है ना. एक्सो एंडो तो पता है ना जिसमें हीट बाहर निकलती है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट कंज्यूम होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक के लिए हीट अटैच नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक के लिए हीट अटैच पॉजिटिव होता है. यहाँ तक क्लियर? ठीक है. अब सबसे पहले जो बात आता है वो आता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. अगर मेरे से पूछा जाए व्हाट इज व्हाट डू मीन बाय रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो मैं बोलूंगा स्पीड. द
with which ठीक है स्पीड विद विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ठीक है तो स्पीड विद विच अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्सेलरेट ऑफ रिएक्शन ठीक है अब मैंने बोला मेरे पास एक रिएक्शन में एक एक्स प्रोडक्ट ठीक है बात समझ में आ रही ठीक है तो मैंने बोला ए रिएक्टेंट हो गया बाकी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा प्रोडक्ट की अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं बोलूंगा रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा तो प्रोडक्ट के अंदर बी लेकिन ए गिव्स बी तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इन करंट ठीक है और चेंज इन कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर और टाइम जनरली हम क्योंकि हमें मॉडरेट रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन पढ़ने हैं तो सेकंड्स में होगा उसको लिख लीजिए मोल पर लीटर पर सेकंड और मोल पर लीटर को लिख सकते हैं एम मोलारिटी पर सेकंड ठीक है कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई कितने टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा समझ में आ गई अरे बोलो ए की कंसंट्रेशन शुरू में मैक्सिमम होगी ठीक है धीरे धीरे ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी आप अगर आप ए की कंसंट्रेशन ये तो मैंने जनरल लिखा जनरल चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की घटेगी प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो मैं ऐसा भी लिखता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसा लिखता हूँ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन टाइम या इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन टाइम बस समझ में आ गई आगे आगे क्योंकि ए के ए शुरू में मैक्सिमम होगा जब रिएक्शन चालू होगा तो ऑब्वियसली बात है ए इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू बी ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगी और बी की कंसंट्रेशन टाइम विद रिस्पेक्ट टू बढ़ेगी तो या तो आप ऐसे भी ले सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन या डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम समझ में आ गया Then, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है इम्पोर्टेंट चीज है टाइम ठीक है अब यहाँ पे मैं नोट लिखाऊंगा आपको नोट क्या है कि टाइम इंटरवल कैसा है मैं लिखूंगा नहीं लिखूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा टाइम इंटरवल कैसा है उसके बेसिकली हम रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ठीक है रेट को रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं रेट ठीक है एक को बोला हमने एवरेज रेट ठीक है इसको लिखते हैं आर एवरेज और आर बार से ठीक है दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस रेट ठीक है और इसको आर आई एन एस से लिखते हैं ठीक है जी एवरेज रेट क्या होगा इसमें टाइम इंटरवल इज लार्ज मतलब हम जो रेट चेक कर रहे हैं हो सकता है 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड ऐसा हो 5-5 सेकंड का गैप हो या 10-10 सेकंड का गैप हो या आधे आधे घंटे का गैप हो अगर टाइम इंटरवल बड़ा है तो हम उस रेट को बोलेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेंट का मतलब क्या होता है मुझे गुस्सा है मैंने इंस्टेंट इसके लगा दिया इंस्टेंट मतलब एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम टाइम इंटरवल इज वेरी वेरी स्मॉल बात समझ में आ गई तो उसको इसमें बोलेंगे टाइम इंटरवल इज स्मॉल ठीक है जी तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम इंटरवल रिएक्शन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया एक को बोला एवरेज एक को बोला इंस्टेंटेनियस ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेंटेनियस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस ठीक है पर एवरेज भी पढ़ना है तो पहले एवरेज रेट में आते हैं ठीक है एवरेज रेट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन इन अ मेजरेबल टाइम इंटरवल ठीक है अब देखो क्या फॉर एग्जांपल ए गिव्स यू बी है ठीक है
अगर मुझे आर एवरेज लिखना है तो मैं लिखूंगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। हाँ डेल्टा जब लगता है तो उसका मतलब लार्ज चेंज होता है। क्या होता है? आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, डी बाई डी टेक्स ऐसा पढ़ा होगा ना, जब स्मॉल डी लगता है तो वो स्मॉल चेंज होता है। केमिस्ट्री में मैथ्स का मुझे नहीं पता, ठीक है डेल्टा लाल हो गया वहां पे बड़ा चेंज। और अगर मैं आर एवरेज लिखूंगा या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ उसको फाइनल कंसंट्रेशन ए टू माइनस ए वन अपॉन टी टू माइनस टी वन आएगा, ठीक है। और आर एवरेज अगर मैं वेलोसिटी टर्म्स में लिखूंगा डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा डी, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखूंगा फाइनल बी टू माइनस बी वन बोलो आया ना अपॉन डेल्टा डी या टी टू माइनस टी वन। अब याद रखना जब रिएक्टिंग टर्म्स में लिखेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, हाँ, और जब प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखेंगे तो पॉजिटिव साइन आएगा या लिखो है साइन। क्यों आएगा नेगेटिव साइन? क्योंकि ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है और बी की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा। समझ में आ गया? ठीक है, ये था बकवास। अब आते हैं काम की बात। अब यहाँ से आप एक्चुअली में चैप्टर शुरू हो रहा है इंस्टेंट गेम के थ्रू, यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, दैट इज इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में जो रेट निकालूंगा उसको बोलेगा इंस्टेंट गेन। ठीक है, अब इसके लिए मैं रिएक्शन लिखता हूँ ग्राफ की हेल्प से इसको सीखेंगे। ए की थ्री बी अगर ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, और यहाँ पे टाइम ये सेकेंड्स में होगा जो है। ठीक है, शुरू में ए की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, हाँ, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम की डिक्रीज होगी, बोलो हाँ या ना। और शुरू में बी की कंसंट्रेशन जीरो होगी और फिर रिस्पेक्ट टू टाइम ये, ठीक। अब देखो पीछे भी याद, यहाँ पे भी देखना, अगर मैं इसको यहाँ पे ग्राफ बनाऊ ये कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर और ये टाइम, ए की कंसंट्रेशन ऐसे डिक्रीज होगी ना। अब यहाँ देखना ये हमने टाइम लिया टी वन, ये टाइम लिया टी टू, यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी ए वन और यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी हाँ। अब ए टू कम होगी ना, हाँ ए टू क्या होगी और ए वन क्या होगी, तो में से ज्यादा माइनस करो तो रेट नेगेटिव आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक्स्ट्रा माइनस करा, हाँ यार ऐसा भी बोल सकते भाई हमेशा चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस रेशियो तो होगा, तो फाइनल ए टू है, ए टू क्या है पाँच मोल पर लीटर, ए वन क्या थी पाँच में से दस करोगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस को प्लस में करने के लिए क्योंकि रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिएक्शन रुक गया तो रेट जीरो और रेट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो नेगेटिव टू मेक दैट नेगेटिव इनटू अ पॉजिटिव साइन यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा। इज दैट क्लियर? ज्यादा समझ में आ गया? अब ऊपर आ जाओ। अब इस बालिका ने बोला सर यहाँ पे जो आपने टाइम इंटरवल लिया वो बहुत बड़ा था, टी वन टी टू काफी बड़ा टाइम इंटरवल, ठीक है जी। अब इसने बोला नहीं सर मुझे तो यहाँ पे चाहिए, 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 यहाँ पे चाहिए। इसने बोला जहाँ पे मैं आते रखूंगी वही मुझे देख चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ ऊपर डेफिनेशन पढ़ो, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब यही पे चाहिए, कुछ नहीं करना, जहाँ पे इसने किया वहाँ पे एक टेंजेंट होगा, टेंजेंट तो पता है ना, और स्लोप बना दिया ए बी सी,
अगर याकिन सिराज से बात कर, सॉरी याकिन सिराज से बात करें, यहाँ पे इसने बोला यहाँ पे टेक चेंज ड्रॉ कर दी, ए बी सी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। ठीक है, अब मुझे बोला आर इंस्टेंटेनियस निकाल, तो मैंने कहा आर इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ ए, अब मुझे बताओ इसमें जो स्लोप है वो नेगेटिव है, जब ऊपर की तरफ जाते हैं स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। हाँ यार, और नीचे की तरफ आएंगे स्लोप क्या होगा, तो अभी आप लिखेंगे नेगेटिव स्लोप ऑफ ए। अगर मैं लिखूं आर इंस्टेंटेनियस इन टर्म्स ऑफ बी, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव स्लोप ऑफ, पॉजिटिव स्लोप ऑफ कौन लिख लो, पॉजिटिव स्लोप ऑफ बी। अब पॉजिटिव स्लोप आर, रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन अबाउट टाइम। तो अब इस नेगेटिव स्लोप को देखो, ए बी का रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी ए वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और बी और सी वाली लाइन क्या कर रही है, चेंज इन टाइम। भाई रेट का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन, अब इसने बोला यहाँ पे निकालना है मुझे, तो अभी मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ करके स्लोप बना दिया। स्लोप में जो ए बी वाला पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन, और बी सी वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस ए बी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन बी सी चेंज इन टाइम। बोलो हाँ यार, और इस तरह यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी अगेन यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है पॉजिटिव स्लोप है, तो यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, प्लस ए बी ओवर बी सी। बोलो हाँ यार, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा बी, सर सब है छोटा है ना, अब लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, ऐसा लिख सकता हूँ, समझो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमने कौन सा रेंज लिखा था, एवरेज लिखा था डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस को भी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो उसके साथ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिसके पास मैथ्स नहीं हो समझना, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, यानी कि डेल्टा टी जो है वो बहुत छोटा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं आया। और ज्यादा बेटर है माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डीटी, सबसे बढ़िया तरीका ये, पूरे चैप्टर में हम ऐसे ही पढ़ेंगे, अब रेट पूरे चैप्टर में हमें इंस्टेंटेनियस रेट ही पढ़ना है और डी ए बाय डीटी ही पढ़ना है। आ गया, ऐसे अगर मैं बी को लिखना चाहूंगा तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो, अगर मैंने ये लिख दिया तो मैं डेल्टा बी ओवर डेल्टा टी लिख सकता हूँ, और ज्यादा बढ़िया होगा डी बी ओवर डी टी, यहाँ पे कोई माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम हो रही है। हेलो आवाज समझ रहा है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब आगे मेरे से पूछा गया, ज्यादा बढ़िया समझ में आया तक, ज्यादा बढ़िया रेट कौन सा, एवरेज या इंस्टेंटेनियस। देखो अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूँ, ये गिव्स यू बी, मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन ए प्लॉट किया, शुरू में मैक्सिमम होगी और यहाँ पे टाइम है, अब मैंने एक रेट यहाँ पे निकाला, एक रेट यहाँ पे निकाला, एक रेट यहाँ पे निकाला, तो कहा तो ऐसा आएगा ना, अगर मैं एवरेज रेट निकालता हूँ, समझो 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 समझो, अगर मैं एवरेज रेट निकालता हूं, ठीक है, तो मुझे एक्चुअल में कर्व नहीं मिलेगा, मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म है। हाँ यार, अगर सपोज मैं यहाँ पे निकालता हूँ जीरो से पाँच, ये जीरो सेकेंड है या पाँच सेकेंड है, पाँच से या दस सेकेंड है, तो जितनी कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज हुई उतनी कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज हुई, जितना रेट यहाँ आएगा उतना रेट यहाँ पे आएगा। हाँ यार भाई, जितना रेट यहाँ पे आएगा जीरो से पाँच सेकंड में उतना रेट पाँच से दस सेकंड में, अगर मैं एवरेज रेट निकालूंगा तो वहाँ पे टाइम इंटरवल बड़ा है, और जब मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालूंगा तो एक रेट मैंने यहाँ पे आया, फिर एक 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 यहाँ पे आया, एक यहाँ पे आया, तो वो एक्चुअली में कर्व ऐसा आएगा ना, क्योंकि इसमें इंस्टेंटेनियस में टाइम इंटरवल बहुत छोटा है। हाँ यार, तो मैं एक ही रिएक्शन के बहुत सारे रेट निकाल सकता हूँ, जब मैं उसको बोर्ड पे प्लॉट कर रहा हूँ तो वो एक्चुअल में ऐसे कर्व लाइन देगा, ये कर्व लाइन, तो ज्यादा बेटर कौन सा है,
इंस्टेंटेनियस रेट। अब समझो मैं एक लाइन आपको बोल रहा हूँ, इसमें क्या है, जीरो सपोज हमने बोला 5 सेकेंड, फिर 0 से 5 इतनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, फिर हमने बोला 5 से 10 इतनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, फिर हमने बोला 10 से 15 इतनी कंसंट्रेशन चेंज हुई। अब देखो रेट क्या होता है, जिसको नहीं आएगा बोलेगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, टाइम इंटरवल मैंने कॉन्स्टेंट कर दिया, हाँ यार 5 सेकेंड 10 सेकेंड, यहाँ पे 5 सेकेंड 5 सेकेंड। अब देखो ये वाले चीज ज़्यादा है ना, उसके बाद ये थोड़ा कम हो गया ना, उसके बाद और कम हो गया ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट एक्चुअली में मुझे बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग विद टाइम। एवरेज रेट मुझे कभी नहीं बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीजिंग विद टाइम, इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट को हम करेक्ट रेट मानते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन आएगी तो क्या लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, हाँ और अगर कर्व लाइन आएगी तो खुद देखो ना भाई, कंसंट्रेशन यहाँ पे कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, शुरू में जब 0 से 5 का टाइम इंटरवल था कंसंट्रेशन ज्यादा हुई ना, सपोज 10 अपॉन 5 आया, कितना आया 2। अब जब मैंने R2 निकाला तो कंसंट्रेशन यहाँ से आ गई सिर्फ 8 अपॉन 5, कितनी आई 1.4, और जब मैंने तीसरी R3 निकाला तो आया 5 अपॉन 5, कितना आया, तो पहले रेट कितना था, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 था, फिर कितना आ गया 1.4, फिर कितना आ गया, तो रेट कंटिन्यूसली कम होगा, क्योंकि एक ही कंसंट्रेशन जैसे कम होती जाएगी वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा, आया। और वो हमें एक्चुअली में इंस्टेंटेनियस रेट से पता चलेगा, एवरेज रेट से पता नहीं चलेगा। बता इतनी बात समझ में आई, सबको समझ में आया। अब एक चीज याद रखना, इसके बाद मैं यहाँ पे एक नोट नंबर सेकेंड लिखाऊंगा आपको, क्योंकि अभी मैं बोर्ड पर लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा, पता इतनी बात समझ में आएगी। अब आते हैं हम हमारे पास अब जो मेरा पहला टॉपिक आता है वो है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। पहले तो आती अच्छे, हाँ भाई डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन कुछ नहीं बता, किसी भी रिएक्शन के रेट को लिखना, क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का था जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको बोलेंगे डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। केमिस्ट्री को सिंपल रखो, केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, कुछ ना है वो तो तुम पढ़ते हो उसको गलत तरीके से इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लगती है। केमिस्ट्री मजाक नहीं कर रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को अगर तुम कंपेयर कर रहे हो सबसे आसान केमिस्ट्री और सबसे नंबर केमिस्ट्री में आते हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे ले लो चाहे कॉम्पिटिशन में ले लो, अब किसी के नहीं आते वो मुझे कहने मार रहा होगा झूठ बोल रहे, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोशिश तो करो, केमिस्ट्री से आसान कुछ है ही नहीं ना। ऊपर देखना डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन क्या है, रख लिया, अभी दो रेट पड़े, कौन कौन से, एवरेज और, तो किसी भी रिएक्शन का रेट लिखने जाओगे और वो इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में लिखोगे तो जो भी एक्सप्रेशन बनेगा उसको बोलेंगे डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। बोलो हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ तक आ गया, इसमें भी मैं नोट लिखाऊंगा, क्या नोट यहाँ पर लिखाऊंगा कि क्या लिखना है इसमें, जब यहाँ तक पहुँचोगे तब मुझे बताना कि सर आपने कहा था मैं लिखाऊंगा। अब मैंने बोला कंसिडर रिएक्शन, अब सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आ गए, ठीक है, अब लिखूंगा रेट इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय डी टी, डिफरेंशियल में ही होता है, इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी। हाँ भाई यहाँ पे इन दोनों के बीच में कौन सा है साइन है, यहाँ पे क्या लिखा, पहला क्वेश्चन का चूड़ा लग जाएंगे पांचों, अच्छा डी आई नहीं क्यों, यहाँ पे प्लस क्यों यहाँ, इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी, ठीक है, ये दोनों कौन है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए कौन सा साइन आएगा, आएगा अबे हाँ, पहला यहाँ पे देखो पहली बात तो मैं क्लियर कर दूँ, जो मैंने सवाल किया उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, रेट ऑफ अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, पिछली बार क्या था एक ही रिएक्टेंट था एक ही प्रोडक्ट था, हाँ या ना, पर जरूर जोड़ना है एक ही रिएक्टेंट होगा, एक से ज़्यादा भी तो सकते रिएक्टेंट इसके एक लगा ना दे, तो अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है
तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म्स में लिखा जाता है, समझो ये दो अलग अलग रिएक्टेंट है। तो अगर मेरे से पूछा जाए रेट बता, तो या तो मैं एक लूंगा ए या लूंगा मैं बी, दोनों को एक साथ ही ले सकता। मेरी बात समझ में आ रही है? पहला इज इक्वल टू का साइन क्यों आया हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। बात समझ में आ गई? अकेला रिएक्टेंट लेना है, दो है, तीन है, चार है रिएक्टेंट, उससे मतलब नहीं, आपको एक लेना है उसमें से। जैसे जैसे उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी विद टाइम, वो आपको पूरे रिएक्शन का रेट बता देगा। समझ में आ गया? या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो एक प्रोडक्ट उठाना है बस, जैसे उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वो पूरे रिएक्शन का रेट बता देगा। समझ में आ गया? दूसरा सवाल ये इनको क्या बोलते हैं, सिचुमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये क्या लिखे हुए दिख रहे हैं? नहीं लिखे हुए दिख रहे हैं, कहाँ पे आएंगे? पावर में पक्का? हाँ बर्गर बर्गर की शर्त लगा रहे, लगा लो यार। चलो अच्छा, आजकल गन्ने का जूस बड़ा बिक रहा है, गन्ने के जूस की दो गिलास गन्ने के जूस की साथ कौन लगाएगा? देख सबने गर्दन नीचे कर ली, कौन लगाएगा बोलो? पावर में आएगा। चलो मैं जीता तो मारे, ऐसे लिखा होगा मैं स्कूल में टेस्ट छुड़वा रहा हूँ, ऐसे लिखा था। अब मुझे बता दे फ्रैक्शन में क्यों आया? अगर तूने बताया तो पूरा राष्ट्र को बांटी, मुझे पता है तूने पढ़ लिया, मुझे पता है तू पढ़ने वाला बच्चा है, फिर भी मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। और सोच कितने पैसे दाम पे लगा रहा हूँ, पूरे बैच को पार्टी देना मतलब ढंग की, मैं ऐसी ढंग की पार्टी नहीं देता। देख मुझे वो, देख वो भाई क्या बोलो, बता दे भाई पार्टी मिलेगी। मुझे पता है कि तुमने पढ़ रखा, मुझे पता है तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, फिर भी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बता क्यों लिखा? सोचो कितना रिस्क लिया मैंने, क्योंकि मुझे पता है कि तुमने सिर्फ पढ़ा होगा कि ये नीचे आएगा, पर तुमने ये नहीं पढ़ा होगा कि क्यों नीचे आएगा। चलो अब मैं बताता हूँ, देखो अच्छा ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखा, मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ज़्यादा रिस्क लेता प्रोग्राम से आंसर दे दिया उसका। ऊपर लिखना, अभी देखो ये ए बी सी डी स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना, अभी पहले रिएक्शन में मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, 10^2 + 3^2 गिव्स यू 2^3, ठीक है। अभी मैं स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया ना कि इंडिविजुअल डी कंसंट्रेशन ऑफ N2/dt आएगा, इज इक्वल टू डी कंसंट्रेशन ऑफ S2/dt आएगा, is equal to deconcentration of N3/dt आएगा, हाँ यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अब एक चीज बताओ, फर्स्ट गो टू द रिएक्शन, कितने मोल N2 के हैं? पूरी क्लास बोलेगी, एक मोल। कितने मोल H2 के हैं? तीन मोल। और कितने मोल N3 के हैं? दो मोल। अब सब पूरी क्लास ध्यान से सुनना, अल्टीमेट चीज आ रहा हूं। जब मैंने DN2/dt लिखा, कितने मोल्स की टर्म्स में लिखा? एक मोल। जब मैंने DH2/dt लिखा, कितने मोल्स? एक मोल। हाँ या ना? आंसर है तीन मोल। समझना समझना और समझना, वेन आई एम राइटिंग, अंग्रेजी में बोल रहा हूं थोड़ा सा, वेन आई एम राइटिंग द डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, आई एम राइटिंग द रेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट आर गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। समझो, अभी तक मैंने इसमें कोई भी स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज, तो जब मैं सिंपल डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिख रहा हूं विदाउट राइटिंग द नंबर ऑफ मोल्स, विदाउट यूजिंग द स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मतलब होता है मैं उतने नंबर ऑफ मोल्स यूज कर रहा हूं जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है। समझो, अब इसका आंसर दे रहा हूं, यहां पे एक मोल N2 का है, जब मैं सिर्फ TN2/dt लिखूंगा तो मैं एक मोल की टर्म्स में लिखूंगा, जिसको नहीं आएगा बोलेगा। यहां पे तीन मोल S2 के हैं, पर जब मैंने DS2/dt लिखा तो इसका मतलब मैंने एक मोल की टर्म में लिखा, मैंने कितने मोल की टर्म में लिखा? तीन मोल। इसका मतलब इसके कितने मोल है? एक। इसके कितने हैं? तीन मोल इंक्लूड हो गए विदाउट राइटिंग थ्री, आया।
इसके कितने मोल है यहाँ पे? जब मैंने डी एन सी बाई डी का कितने मोल आ गए? दो। तो यहाँ पे इसके कितने मोल है? एक। यहाँ पे कितने मोल है? तीन। यहाँ पे कितने मोल है? अब अगर मैं इसको तीन से डिवाइड कर दूं तो अब कितने मोल हो गए? एक। और इसको मैं दो से डिवाइड कर दूं तो कितने मोल हो गए? एक। अब तीनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी? नहीं हुई। तभी तो बीच में इस इक्वल टू का साइन आया। जब मैं समझो इस इक्वल टू लिखा ना, इस इक्वल टू कब लिखूंगा? जब तीनों की मोलर कंसंट्रेशन को मैं बराबर कर दूंगा। समझो दोबारा एक बार फिर, यही है अल्टीमेट चीज बस। क्योंकि बच्चे को क्या आता है? नीचे लिखना है। बच्चे को ये नहीं आता क्यों लिखना है, वो सीखना क्यों नहीं है। समझो यहाँ पे एक मोल है, जब मैं डी एन टू बाई डी टी लिखूंगा तो इसका मतलब मैंने एक मोल के टर्म में लिखा। जब मैं डी एन एस टू बाई डी टी लिखूंगा तो जितने मोल वहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में वो तीनों आ गए। आया। इसके कितने मोल हो गए? एक। इसके कितने मोल हो गए? तीन। और जब मैं डी एन एस थ्री बाई डी टी लिखूंगा तो इसके कितने मोल हो गए? तो अब सोचो तीनों की मोलर कंसंट्रेशन अलग अलग है, पर बीच में तीनों के इज इक्वल टू का साइन है। इज इक्वल टू का साइन कैसे आ सकता है? जब तीनों की कंसंट्रेशन अलग है तो तीनों के रिस्पेक्ट में रेट अलग नहीं आएगा? हाँ या ना? तो अगर मुझे इज इक्वल टू करना है तो मुझे कितने मोल करने पड़ेंगे? इसके कितने मोल है? इसके कितने मोल है यहाँ पे अभी? तीन। अगर मैं से तीन से डिवाइड कर दूं कितना मोल हो गया? अब इसका भी कितना मोल है? इसका भी कितना मोल है? समझ में? और इसका भी कितना मोल हो गया? तो तीनों की मोलर कंसंट्रेशन बराबर हो गई, तो तीनों के रिस्पेक्ट में रेट बराबर आएगा, इसलिए फ्रैक्शन में लिखते हैं। आया? ताकि सबकी मोलर कंसंट्रेशन एक मोल हो जाए। जब हम, और वो कब होगी? जब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे डिफरेंशियल एक्सप्रेशन। आया? हाँ या ना? पक्का? पर अगर वो आपसे क्या बोले, अगर उसने बोला ना ये तो तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में एक ही रेट निकालने के लिए हमने ऐसा किया, पर अगर वो बोले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एंटर, अगर वो बोले रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सॉरी एस टू रिएक्टेंट का डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स टू, और अगर वो बोले रेट ऑफ अपीयरेंस सिंगल कंसंट्रेशन टू ऑब्टेन अ सिंगल रेट ऑफ रिएक्शन। आया? इसके क्यों लिखा वो, क्यों ऐसा क्यों किया वो मैंने समझाया, समझ में आया? अब मैं उसको लिखाऊंगा भी और घर जाके रिवाइज करोगे, घर जाके सर अपने क्या लिखा है नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना प्लीज, क्योंकि जिस दिन चैप्टर खत्म होगा उस दिन भी डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन ही चल रहा होगा, आखिरी दिन जिस दिन होगा उस दिन भी यही डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन आएगा ही आएगा। इतनी समझ में आ गई? अब ये था टू ऑब्टेन अ सिंगल रेट ऑफ रिएक्शन, पर अगर आपने उसने उसने क्या बोला कि मुझे भाई रेट ऑफ रिएक्शन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन टू चाहिए। आया? क्या उसने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, क्योंकि रिएक्टेंट ऑब्वियसली बात है दे आर गोइंग टू डिसअपीयर और प्रोडक्ट दे आर गोइंग टू अपीयर। हाँ या ना? उसने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन टू चाहिए, तो आप पता क्या लिखोगे? डी एन टू बाई डी टी, आप लिखोगे डी एन एस टी बाई डी टी, सॉरी डी एस टू बाई डी टी, जब सिंगल रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज करोगे, पर अगर वो किसी रिएक्ट बोलेगा व्हाट इज कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एस टू, ऐसे बोलेगा वो मैथमेटिकली, कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एस थ्री, ऐसे बोलेगा वो। तो जब वो किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रेट पूछ रहा है, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाला? रेट ऑफ रिएक्शन। क्या निकाला? रेट ऑफ रिएक्शन। अब वो आपसे अगर पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया या व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, तो वो आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिख रहे। अब आप बोलोगे क्यों? अच्छा इसको रीड करो, इसको हिंदी में रीड कैसे करेंगे? एक मोल एन टू का डिसअपीयर हो रहा है
तो उसके कंपैरिजन में तीन मोल एस टू के हो रहे हैं। हाँ यार, नहीं हो रहे? इफ यू रीड दिस केमिकल रिएक्शन, हाउ विल यू रीड इट? अगर एक मोल एन टू का गायब हो रहा है तो तीन मोल एस टू के गायब हो रहे हैं और दो मोल अमोनिया के बन रहे हैं। हाँ यार, तो जो बोलेगा बता रहे अमोनिया के कितने मोल बन रहे हैं, तो आप ये तो लिखोगे कि दो मोल बन रहे हैं, ये बोलोगे? और दो मोल जब हम ये लिखते हैं तो उतने मोल्स के टर्म्स में लिखते हैं जितने आप बोलते हैं। हाँ या ना? इसलिए डिवाइड जब इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स का पूछेगा तो कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं आएगा, क्योंकि हम जब सिंपल एक्सप्रेशन लिखते हैं डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन तो उसमें उतने ही मोल्स इंक्लूड हो जाते हैं जितने बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होते हैं। आया? अब नोट कर ले। चलो नोट लिखो, इंस्टेंटेनियस रेट इज अ करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इसके नीचे लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट इज द करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट इज द करेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। This is because rate of reaction decreases all the time. Rate of reaction decreases all the time as the reaction proceeds. Such that the rate of reaction at one instant is different from that rate of reaction at one instant is different from that at any other instant of time. चले आगे, याद हो गया? नहीं हुआ? किसका नहीं हुआ? याद है? याद है? चलो इसमें भी नोट लिखना है। सिर्फ याद है लिखना, किसके नीचे नोट लिखा होगा? लिखिए डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, लिखिए क्या? इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। Rate of reaction is written in terms of instantaneous rate of reaction. ठीक है? For example, यहाँ से यहाँ तक लिखो पहला वाला, फिर मैं एक नोट वाला लिखा। ठीक है, अब मैं डिवाइड EMP Q किया वो लिखा रहा हूँ। To obtain a single rate of reaction, the differential rate expression is divided by the corresponding the rate expression is divided to obtain a single rate of reaction. Here the rate expression is divided by the corresponding stoichiometric coefficient stoichiometric coefficient corresponding stoichiometric 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 coefficient divided by the corresponding stoichiometric coefficient हो गया, to obtain
obtain equal concentration, to obtain equal concentration and hence equal result reaction. To obtain equal concentration, देख लिया, divided by the corresponding stoichiometric coefficient भी छूट गया, बहुत बढ़िया, छोड़ दे दे. To obtain single molar concentration, equal molar concentration at equal rate of reaction. Equal molar concentration at equal rate of reaction. Done.